जिस सीट पर 36 सालों से है बीजेपी का कब्जा, क्या इस चुनाव में हो पाएगा उलटफेर? हम बात कर रहे हैं आगरा उत्तरी विधानसभा सीट की, जो पिछले 36 सालों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। वैश्य बहुल इस विधानसभा क्षेत्र का परिणाम मुद्दों से ज्यादा वैश्यों के रुख पर निर्भर करता है। बीजेपी को अपने परंपरागत वैश्य वोट बैंक पर भरोसा है, तो दूसरे दल इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। बीजेपी के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। इस बार बीजेपी ने तमाम विरोध दरकिनार करके अपने वर्तमान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को यहां से मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां ज्ञानेंद्र गौतम को उतारा। कांग्रेस के विनोद बंसल इस सीट पर चुनावी मैदान में है, तो बहुजन समाज पार्टी से शब्बीर अब्बास यहां से ताल ठोक रहे हैं। उत्तरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाद बीजेपी का ही राज रहा है। वर्तमान में इस सीट से पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक हैं। इनसे पहले इस सीट से जगन प्रसाद गर्ग 5 बार विधायक रह चुके हैं। अप्रैल 2019 में गर्ग का निधन होने से यह सीट खाली हुई। साल 2019 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को करीब 60,000 वोटों से पटकनी दी थी। इस सीट पर वैश्य वोटरों का बोलबाला रहा है। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में इस सीट का परिसीमन बदल गया। इससे पहले उत्तरी विधानसभा सीट को आगरा पूर्वी के नाम से जाना जाता था। उत्तरी विधानसभा सीट साल 1992 से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही थी। लेकिन 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ढेर करने के बाद ये सीट बीजेपी की मुट्ठी में आ गई। इस सीट पर कुल 4.25 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 2 लाख वोटर वैश्य हैं। यानी कुल आबादी का लगभग आधा यहां पर वैश्य वोटर हैं। हालांकि बीएसपी और सपा ने वैश्य कैंडिडेट को इस सीट पर लड़ाया है, लेकिन उत्तरी विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। उत्तरी विधानसभा सीट पर अग्रवाल महासभा समेत अन्य वैश्य संगठनों ने अग्रवाल प्रत्याशी की मांग उठाई। वर्तमान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के जोंस मिल प्रकरण में नाम आने के बाद उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जनसंघ के समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती हो सकती है। निकटतम प्रतिद्वंदी ज्ञानेंद्र गौतम का कहना है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल बाद भी वही समस्याएं हावी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, नव विकसित कॉलोनियों में समस्या के अंबार लगे हुए हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हीं इलाकों में सड़कें बनी हैं। आपको बता दें कि इस बार 2.5 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर बीजेपी प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, तो वहीं सपा ने यहां ज्ञानेंद्र गौतम को टिकट थमाया है। ज्ञानेंद्र गौतम साल 2017 में इस सीट से बसपा से जगन प्रसाद गर्ग के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। कांग्रेस से यहां व्यापारी नेता विनोद बंसल वैश्य मतों में सेंध लगा रहे हैं, तो सपा, रालोद और बसपा के प्रत्याशी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।